guys, good morning. So time is 11:36 और हमने अभी क्या किया, मैं थोड़ी देर पहले उठा, पूरा मतलब नहा धो के बैठ चुका हूँ कल जैसे ही, और आज है डेली व्लॉग का पार्ट 2। सो देखते आगे अभी क्या करना है, डिसाइड नहीं हुआ, कुछ भी नहीं डिसाइड हुआ, तो चलो देखते आगे क्या होगा। गाइस वेलकम बैक। तो अभी बज रहे 2:03 हो रहा है, और अभी मैंने सोचा आपको क्लाइमेट दिखा दूं। तो अभी आज का क्लाइमेट बहुत बुरा है, मेरे को लग रहा है फुल चांसेस है बारिश होने के, अगर बारिश हुई ना मेरा अच्छा कंटेंट निकल जाएगा। चलो अभी मैं आपको ना एक बार ना कैमरा स्विच करके दिखा देता हूँ। सो गाइस देख सकते हो ये पूरा से बादल बादल हो चुके हैं हर जगह। अरे शांत बैठोगे, वीडियो बनाने दो। देख सकते हो बारिश होगी आज, 100% श्योर तो नहीं हूँ लेकिन हो सकती है भाई साहब। सो गाइस चलो इसका झाड़ लेते हैं, इनका सब कचरा। भाई खाना कितना बुरा चल रहा है, उसका ही खाना इतना बुरा चल रहा है। चलो हटा गया, झाड़ने दो मेरे को। देख सकते हो गाइस इनके पिंजरे के नीचे में कितना खाना है, देख सकते हो भाई। चलो उनको तो रोक दिया, अभी इनसे भर लेते हैं। सो गाइस अभी हो चुका है अपना कचरा भर के, उसके बाद अभी मैं कचरा फेंक किया तो 2 मिनट। तो चलो अभी मैं कचरा फेंक किया तो और आपसे मिलता है थोड़ी देर में। तो गाइस तो अभी बच रहे हैं 6:44, और अभी हमने क्या किया, हम बाहर गए थे तो हमने सैंडविच का सामान लिया, और आज हम करने वाले सैंडविच। तो मैं यहाँ पर फोटो डाल दूंगा आपको, उसके जो तैयारी रहती है मतलब टोमेटो वगैरह वो, और खाने के वक्त मिलूंगा अभी, और मैं खुद बनाने वाला हूँ और उसका भी क्लिप दिखाऊंगा आपको। चलो 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 गाइस देख सकते हो ये हमारा सैंडविच, तो मैं अभी इसे एंजॉय कर रहा हूँ। भाई ये क्या हो भाई, पता नहीं गाइस। चलो और अभी मैं इसे एंजॉय करता हूँ, तब तक आप देखना मैंने ये सैंडविच बनाया कैसे। चलो सो गाइस अभी हम बनाएंगे सैंडविच। सो कैमरा इधर दिखाओ। तो अभी सबसे पहले हम 3 ब्रेड लेंगे, उसके ऊपर हम रखेंगे पुदीने की चटनी, हमने घर पे बनाई है, और इसकी रेसिपी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। सो इस पर हम लगाएंगे पुदीने की चटनी, ढेर सारी लगाओ। उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे और 5.5 ब्रेड पर लगाएंगे जल्दी, 5 ब्रेड होने के बाद अभी हम लेंगे बटर, और बटर इस पर लगाएंगे, और बटर इधर भर के लगाएंगे, तो यूसी बिल्कुल नहीं देंगे, वैसे कम भी लगा सकते हो आपकी मर्जी है। उसके बाद सारे इस पर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे उबले हुए आलू के स्लाइस, और मैं मतलब भरा भरा बनाया मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा सामान डालता हूँ बनता उसमें। तो अभी हम इस पर डालेंगे आलू। तो इस पैन डालने के बाद अभी हम इस पर डालेंगे प्याज, यहाँ पर प्याज डालेंगे, और इसमें ऐसे 2 मिनट करना है, 2 मिनट पे 2 मिनट पे प्याज डालना है अपने को, 2 मिनट पे प्याज डालने के बाद डालेंगे टोमेटो, टोमेटो डालने के बाद हम इस पर डालेंगे ककड़ी, ककड़ी के बाद हम इस पर डालेंगे शिमला मिर्च, जो सबसे इम्पोर्टेंट है एक हिसाब से, बहुत लोग नहीं डालते शिमला मिर्च लेकिन वो सबसे जरूरी है। सो हमने इस पर शिमला मिर्च डाली, तो अभी हम डालेंगे इस पर मसाला, जो ये जो मसाला है इसमें बहुत सारे मसाले मिक्स है, चाट मसाला वगैरह। सो ये हमने घर पे बनाया है, तो इसे भी डालो, और अभी इसके बाद हम करेंगे इस पर चीज़ ग्रेट। सो चलो चीज़ ग्रेट करते हैं। तो चीज़ अपनी ग्रेट हो चुकी है, अभी हम करेंगे सबसे पहले ये करेंगे, अच्छा इसके ऊपर ये डालेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर ये डालेंगे, और ये हमारा बन चुका है सैंडविच। अभी हम इसको टोस्ट करना है टोस्टर में, तो उसके लिए तो अभी टोस्टर में हम बाद में करेंगे। तो ये थी अपनी रेसिपी, और अभी हम इसको ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा बटर, इसके ऊपर बटर लगाने के बाद हम इसको वापस डालेंगे मसाला, और अभी इसको गर्म करेंगे। वो भी टोस्टर तो भरा हुआ है, उसमें ऑलरेडी सैंडविचेस है, तो मैं आपसे अभी खाने की